तस्में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ो मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। जैसा कि मैंने कमर्शियल ब्रेक से कबल गुजारिश की थी कि इन लम्हात के बाद एक ऐसी शख्सियत का पैगाम हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं जिनकी बातें मेरे लिए, इरफान के लिए और कई नौजवानों के लिए मिशल राह है। मैं खुद इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूं, इरफान इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये शख्सियत नौजवानों की मेहनत के लिए एक असासा है। इनसे हमने गुजारिश की और इन्होंने हमारी एक गुजारिश पर लबैक कहा। प्रोग्राम से कबल इनकी गुफ्तगू हमने रिकॉर्ड की, ये रिकॉर्डिंग आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। एक एक लफ्ज को बहुत सलीके से सुनिएगा क्योंकि एक एक लफ्ज जैद हामिद साहब का मौजूदे की तरह है। वो लूलू और मरजान जो समंदर के गहरे पानियों में हजारों लाखों सीपियों के बाद मिलते हैं, इनका एक एक लफ्ज उन सब्जी और सुर्खी माइल पत्थरों की तरह है, यानी कि नादिर है। पेश खिदमत है जैद हामिद साहब का एक खूबसूरत और फिक्र पर मबनी यौम पाकिस्तान के हवाले से एक खूबसूरत पैगाम। हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के मशहूर स्कॉलर और पाकिस्तान के नाम से जाने जाने पहचाने जाने वाले जैद हामिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह यौम आजाद पाकिस्तान मुबारक। खैर मुबारक। सर आप ये बताइएगा कि करारदाद पाकिस्तान हमारे लिए क्या है और इसकी अहमियत क्या है? बच्चे करारदाद पाकिस्तान के बारे में एक बात जहन में रखना, 1000 साल की मुसलमान तारीख पिछली उठा के देख लो, इससे ज्यादा रोमांडी, इससे ज्यादा हैरत अंगेज, इससे ज्यादा एक ड्रामाई मौका मुसलमानों की तारीख में कभी नहीं आया। नहीं, इस दिन ये सिर्फ एक करारदाद पेश नहीं हुई थी, ये आने वाली कई सदियों की तारीख लिखी गई थी। इस दिन ये 1940 23 मार्च जब हमारे बड़ों ने एक फैसला किया था बैठ कर के, हमने अब अपने लिए एक अलग सल्तनत बनानी है, तो उसका अंदाजा करो कि आने वाली सदियों में उस एक फैसले का कितना असर होगा। ये हमारे बड़ों ने अगर सही मानों में कहा जाए तो उस दिन अल्लाह के बंदों ने अल्लाह ताला के आगे अपनी रजा पेश की थी। खुदा ने पूछा था अपने बंदों से, पता तेरी रजा क्या है? और मुसलमान खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद पूरी मुसलमान दुनिया मुंतशिर हो चुकी थी, और उस वक्त हाल ये था कि हमारे बड़े बड़े उलमा ये शेर पढ़ा करते थे कि खासा है खासा ने रसूल वक्त पे दुआ है, उम्मत पे तेरी अजब वक्त पड़ा है। यानी खिलाफत मूवमेंट आपको याद है चलाई गई थी हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से कि किस तरह खिलाफत को बचा लें। पूरी मुसलमान दुनिया गुलाम हो चुकी थी, तारीख 1400 साल की तारीख में ऐसा मौका कभी नहीं आया था। इतने दर्दनाक मौके के ऊपर जब मुसलमान इकट्ठे होते हैं और फैसला करते हैं जब हम अपनी आजाद रियासत बनाएंगे जिसको बुनियाद बनाएंगे खिलाफत राशिदा के मिजाज और मेयार के मुताबिक एक रियासत कायम करने के लिए, तो उससे बड़ा तारीख साज मौका हमारी तारीख में कभी नहीं आया। तो 23 मार्च 1940 के बाद फिर वो 7 साल की जिद्दोजहद जिसमें 50 लाख शहदा दिए गए, जिसके अंदर 2.5 लाख बच्चियां हम अपने हिंदुस्तान छोड़ा है, जिसमें कम अज कम 1.25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान से निकले अपने घरों से लेकिन आधे से भी कम पाकिस्तान पहुंच पाए, ये कुर्बानी दी गई थी। तारीख इंसानियत में इतने छोटे वक्त में इतनी भारी कुर्बानी कभी नहीं दी गई। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद 14 अगस्त माशाल्लाह 47 साल के बाद पाकिस्तान बनता है, तो अब हमारे बुजुर्गों ने उसके बाद फैसला किया कि अब इस पाकिस्तान को किस स्ट्रेंथ में लेके जाना है, मकासद क्या बनाया क्यों पाकिस्तान, तो खतरे की बात थी। जैसा मैं यहाँ पे रुकूंगा आपको, मुझे ये बताइएगा कि 7 साल की जद्दोजहद हमने कर ली, हमने पाकिस्तान बना लिया, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दे ली, हमारी माएं और बहनों ने अपनी इज्जतों की परवाह नहीं की,
हम कट गए, मर गए, लुट गए, लेकिन क्या लगता है कि उसके बाद हम लोगों ने वो काम किए जो हमें करने चाहिए थे? मेरे बच्चे यही बात कि देखो हमारे बड़ों के जहन में कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़े थे, उनको ये अच्छी तरह मालूम था कि हम ये पाकिस्तान क्यों बना रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान के बनने के फौरन बाद कायद आजम को तो मौका ही नहीं मिला कि कायद आजम कोई करारदाद या कोई रेजोल्यूशन पास कर पाते, क्योंकि वो पाकिस्तान के दिफा के कामों में उलझे रहे। उस वक्त कश्मीर में जंग शुरू हो गई, 50-60 लाख महाजरीन पहुंचे, उनको आबाद करना था, मुल्क के खजाना खाली था, मुल्क में जंगे बर्पा थी। कायद आजम 1.5 साल हयात रहे, लेकिन इंतकाल करने के बाद कायद आजम के जो नायब थे लियाकत अली खान, उन्होंने पहला काम क्या किया, नोट करो, 1949 में पाकिस्तान बनने के 2 साल के अंदर अंदर हमारे सारे वो बड़े जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो मिल बैठे और उन्होंने फैसला किया कि हमने अब इस पाकिस्तान को किस सिम्त में लेके जाना है। करारदाद मकासिद पेश की गई 1949 में, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से हमारे बच्चे अपनी किताबों में पढ़ते, और आज ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान के आइन को बेस था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये फैसला करना था कि इस पाकिस्तान को हमने खिलाफत राष्ट्र के मिजाज पर तामीर करना है और इसको दुनिया की अजीम तरीन इस्लामी ताकत बनाना है, मगर उनके बाद आने वाले नाअहल लोग इस करारदाद मकासिद को तर्क कर बैठे और 60 साल ये नेशन, ये कौम सरकर्दा रही, गुमराह रही, कंफ्यूज रही कि हमने ये पाकिस्तान बनाया रखा। जो जाबाज थे, जानसार थे, जो उसके राज को समझते थे कि ये पाकिस्तान अल्लाह ने 27 रमजान को जब जुमत मुबारक के दिन रमजान के आखिरी अशरे में बनाया है, शोदा के साय में बनाया है, सस्ताया खुदाया दुल जलाले के बेमानी नहीं है, जो अल्लाह के राजों को जानते थे, वो 60 साल इस मुल्क पर कुर्बान होते रहे, इसकी हिफाजत करते रहे, इसको संभाल के रखते रहे। आज तक की पाकिस्तान अगर हमारे पास पहुंचा है बच्चे, इस गद्दारियों के बाद, इन हिमाकतों के बाद, जहालतों के बाद, मीर जाफर और मीर साबिकों के बाद, अगर ये पाकिस्तान आज हमारे पास पहुंचा है तो उन्हीं जांबाजों, सरफरोशों, दलेरों और शेरों की शहादतों और कुर्बानियों की वजह से पहुंचा है। हमारे बड़ों ने हर नस्ल में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, सवाल नहीं किया कि इस पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, उन्होंने कहा हमने सिर्फ कुछ इस पाकिस्तान पर लुटा देना है, पूछना नहीं इस पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, ये अल्लाह रसूल की इमानत से हमें दी गई है। तो उस उन वही जाने सा 21वीं सदी में अफ्रीकी जब होते हैं तो उन्हीं की औलादों ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 23 मार्च 2010 70 साल के बाद करारदाद पाकिस्तान के 70 साल के बाद पाकिस्तान के नौजवान ही फिर इकट्ठे हुए लाहौर में। माशाल्लाह ये बात हमारे मीडिया में कम लोगों को पता है, मीडिया ने इसको छुपा के रखा। ये सियासी पॉलिस सियासी निजाम जो मुसलत है इनको खतरा महसूस होने लगा। उस वक्त भी कांग्रेस और अंग्रेजों की हुकूमत थी, उनको खतरा था कि करारदाद पाकिस्तान पेश हो गई तो हमारा निजाम उलट पलट जाएगा। लेकिन 23 मार्च 2010 को लाहौर में एक इज्तिमा जमा हुआ था बच्चों का, जिन्होंने करारदाद तकमील पाकिस्तान पेश की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा हमारी तारीख का एक हैरत अंगेज रोमानवी मौका है कि पिछले साल इस साल ये 23 मार्च 2011 एक साल हो जाएगा करारदाद तकमील पाकिस्तान को पेश किए। करारदाद तामील पाकिस्तान ने 7 साल लिए थे, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह से कि तकमील पाकिस्तान की करारदाद 3 या 4 साल शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ये क्योंकि इंफॉर्मेशन एज है, नौजवान बेदार हो चुके हैं, पूरी दुनिया में मुसलमानों को जरिए रुसवा किया जा रहा है, मुसलमानों में गम गुस्सा रह रहा है, मुसलमान रुकना चाहते हैं और यही मामला है कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब में। आज देखिए पूरी मुसलमान दुनिया पर मगरिब द्वारा हमले कर रहा है और वही हालत है जो 100 साल पहले थी, और आज की वही वक्त है कि दोबारा अल्लामा इकबाल को जिंदा किया गया, वो इकबाल जिन्होंने जिनकी वजह से करारदाद तामीर पाकिस्तान पेश की थी। कायद आजम ने जब करारदाद तामीर पाकिस्तान पेश की, पास की, तो उसके फौरन बाद अल्लामा इकबाल के मजार पर आए और फरमाया कि मैंने वो कुछ किया जो मुझे इकबाल ने जिसका मुझे हुक्म दिया था। और अल्लामा इकबाल ये बात खुद फरमा चुके हैं कि पाकिस्तानी कौम की, मुसलमान कौम की आइंदा आने वाली नस्लें अल्लामा इकबाल की मुट्ठी में। ये माशाल्लाह अब जो बच्चे इकबाल को दोबारा जिंदा कर रहे हैं, इकबाल की फिक्र सोच खुद ही शुजात की जो पैगाम है उसको दोबारा जिंदा किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे थोड़े अरसे की बात ये पली तो नफाक हुकूमतें भी हटेंगे इंशाल्लाह, ये निजाम तब्दील होंगे, सूद और रिबा का निजाम जो अल्लाह रसूल से हालत जंग में, ये जमहूरियत का नफाक निजाम, ये डिक्टेटरशिप पूरा फाक हल होंगे। जैसा मुझे आप ही आपसे ही ये सुनने को मिला है कि गज़वा हिंद शुरू होने वाला है या हो चुका है, और अगर होने वाला है तो आप ही ने कहा था कि इसकी रजिस्ट्रेशन जारी है, जो इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो दवाम में, कयाम में और टाइम हो जाएगा, और जो नहीं करवाएगा
वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए कुरान एक बात ध्यान में रखिएगा बच्चे, अल्लाह के वली फकीर और दरवेश फरमाते हैं कि पाकिस्तान का बनना ही इसलिए था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारका में पूरा होना था कि मुसलमानों की एक फौज दोबारा हिंदुस्तान को कैप्चर करेगी, कब्जा करेगी। गज़वा हिंद के लिए अभी दो काम होने बाकी हैं। हुजूर की हदीस मुबारका के मुताबिक एक गज़वा हिंद होना है, हिंदुस्तान पर दोबारा मुसलमानों का कब्जा और फतह होगा। दूसरा खिलाफत कायम होगी अला मिन्हाजिन नबुव्वा, खिलाफत दोबारा कायम की जाएगी नबुव्वत के रंग में। ये दोनों बिशारतें मेरे आका दे चुके और बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि ये पाकिस्तान बनाया ही इसलिए गया था कि मुसलमानों को वो फौजी ताकत दी जाए, वो जुरत, वो सियासत, वो मईशत, वो इस्तेहकाम, वो एटमी कुव्वत बनाया जाए ताकि मुसलमान यहाँ पे मरकज बनाकर एक वो मुस्लिम हरम की पासवानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबाखाते काश्कर भी और फिर दोबारा गज़वा हिंद की हुजूर मेरे आका की हदीस को सच्चा करने के लिए दोबारा दिल्ली फतह किया जाए। ये होना है, पाकिस्तान का बनना ही गज़वा हिंद की सबसे बड़ी बिशारत और नवीद है कि हुजूर ने जो फरमाया था उसके लिए हालात बनाए जा रहे हैं। बुजुर्ग फरमाते और ये अल्लाह फुकरा और दरवेश शामिल प्रोग्राम में आप जैद हामिद साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। अभी प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, कमर्शियल ब्रेक के बाद लौट कर वापस आएंगे और कुछ बातें जैद हामिद साहब की अभी बाकी हैं, उनको जरूर सुनिएगा, साथ देते रहिए। I'm not going to do that.